नई नई रेसिपी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। तो सोयाबीन की सब्जी आपने तो कई बार बनाई होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सोयाबीन को 1 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था। इसके बाद इसका सारा पानी इसी तरीके से निचोड़ के हमें निकाल लेना है। जितने अच्छे से हम पानी निचोड़ के निकालेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा अच्छी सब्जी बनेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे लिया हुआ है दही। तो ये नॉर्मल दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है। अब यहाँ पे 1/4 चम्मच नमक लिया है मैंने। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, जितना आप नमक ऐड करना चाहते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला, और साथ ही में मैं यहाँ डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने अदरक और लहसुन को अच्छी तरीके से पीस दिया था मिक्सी ग्राइंडर में, और बस इसका मैंने पेस्ट डाल दिया है। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन करने से इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिला लीजिए, ताकि सारे जगह जो है दही, नमक और जो मसाले हमने डाले हैं ना, वो अच्छे से कोट हो जाए। तो देख सकते हैं मैंने हाथों की मदद से इसे बढ़िया से मिला लिया है। अब इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, यहाँ पे मैंने खड़ा गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच यहाँ पे जीरा डाला है। इसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन नहीं खाते स्किप कर दीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 प्याज को ना मिक्सी ग्राइंडर में पीस के डाला है। अगर आप चाहे तो बारीकी से चॉप कट करके भी डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हम प्याज को बढ़िया से भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहने देंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। इसे तब तक हमें भूनना है जब तक कि प्याज अच्छे से ना तेल ना छोड़ दे, तब तक हमें इसे बढ़िया से भून लेना है। प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने अच्छे से पीस दिया था मिक्सी ग्राइंडर में। आप चाहे तो चॉप टमाटर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्ची पाउडर डाला है। इसी के बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब ना लाल मिर्ची डाली है, जो कि सिर्फ कलर के लिए होती हैं, और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रहने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि नमक आप कम ही डालें, क्योंकि सोयाबीन में भी नमक हमने डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम नमक कम डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रहने देंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी। तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और इसे पानी डाल के अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे हम ढक देंगे। लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आँच पर इसे हम पकने देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, तो देख सकते हैं ये तेल को जो है बढ़िया से छोड़ दिया है, और मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने बॉयल्ड आलू रखा था। अगर आप कच्चा आलू डालना चाहते हैं तो उसे भी काट के धो के डाल सकते हैं, और अगर बिना आलू के भी इसे बनाना चाहते हैं तो बिना आलू के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल के 3 से 4 मिनट भून लिया था, और आलू और मसाले और भी अच्छे से भुन चुके हैं। देख सकते हैं तेल अच्छा से छोड़ दिया है। इसका मतलब यही होता है कि मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमने जो 10 मिनट के लिए छोड़ा था ना सोयाबीन को दही डाल के, बस उसे अब हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से मसाले के अंदर सोयाबीन को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले और सोयाबीन अच्छे से कोट हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, और इसे भी 5 से 6 मिनट के लिए ना बढ़िया से इसी तरीके से मिक्स करते हुए भून लेंगे, ताकि हमारा सोयाबीन भी भुन जाए और जो मसाले बचे थे वो भी अच्छे से भुन जाएं। इसके बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं, सोयाबीन भी अच्छे से भुन चुका है। तो बस इसमें अब आपको क्या करना है कि ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी ऐड करना है। आपको जितनी पतली ग्रेवी रखनी है या फिर गाढ़ी रखनी है, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इस कप से 1 कप पानी ऐड किया है। इसके बाद मैं फिर से डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। यहाँ पे नमक आप कम ही रखिएगा, क्योंकि हमने पहले मसाले में भी नमक डाला है, सोयाबीन में भी नमक डाला है, तो इसलिए
नमक जो है कम ही रखिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे ढक देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसे आप जब चेक करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से जो ये है बन के तैयार हो गया होगा हमारी सोयाबीन की सब्जी, और जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए मसालों ने भी तेल छोड़ दिया है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी हुई है। अगर आपको इससे पतली ग्रेवी चाहिए तो इसमें पानी आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही ग्रेवी पसंद थी इसलिए मैंने इतना ही रखा है। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये देखिए कितनी बढ़िया जो है सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो देख सकते हैं सब्जी में भी कलर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे सब्जी ज़रूर बना के ट्राई करिए, देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर इस तरीके से आपने एक बार बना लिया ना, तो आप बार बार इसी तरीके से सब्जी बनाएंगे और जो रेस्टोरेंट में सब्जियाँ मिलती हैं ना, बिल्कुल उसी के जैसे आपको टेस्ट आने वाला है। इसे आप पूरी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।